हेलो, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट. दिस इज़ ज़ैन अली. तो प्रीवियस क्लास में हमने डिफाइन किया था फॉन्ट ग्रुप, तो आज हम डिफाइन करेंगे पैराग्राफ ग्रुप. पैराग्राफ ग्रुप डिफाइन करने से पहले मैं आपको बताऊं कि जो हमने प्रीवियस क्लास में चेंज केस डिफाइन किया था, आई थिंक उसमें टोगल केस डिफाइन नहीं हो रहा था. टोगल केस आई थिंक है ना, तो टोगल केस इसलिए डिफाइन नहीं हो रहा था कि मेरे पास यहाँ पर कैप्स लॉक ऑन था और मेरी यहाँ से सेटिंग्स वगैरह आउट थी. तो टोगल केस आप यूज़ करके देखिएगा, अगर यूज़ ना हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, फिर मैं आपको बता दूंगा. बाकी जो मेरी लैपटॉप की मिस्टेक थी तो इसलिए. ओके, तो ट्राई कीजिएगा आप. सो चलते हैं, पैराग्राफ ग्रुप डिफाइन करते हैं. सो इजी. तो पैराग्राफ ग्रुप डिफाइन करने से पहले हमारे पास यहाँ पर डिफाइन करते हैं, तो फर्स्ट यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है बुलेट्स. तो बुलेट्स हम किस लिए यूज़ करते हैं? किसी भी समझो एक लिस्ट वगैरह क्रिएट करने के लिए हम बुलेट्स वगैरह क्रिएट करते हैं. अब बुलेट्स हमारे पास तीन टाइप के, एक बुलेट्स स्टाइल बुलेट्स, एक नंबर बुलेट्स, एक हमारे पास मल्टीपल लिस्ट लेवल बुलेट्स. सही है. तो ये हमारे पास तीन टाइप्स के हैं. फर्स्ट हमारे पास बुलेट्स हैं डेस्कटॉप. ये तीनों हमारे पास लिस्ट के लिए अप्लाई होते हैं, ETC. वो किसी भी शेप में हो, बुलेट्स हम ऐसे अप्लाई करेंगे स्टाइल्स वगैरह के लिए. नंबर बुलेट्स हम अप्लाई करेंगे, ये वाले नंबर बुलेट्स हम अप्लाई करेंगे ऐसा कोई भी शीट वगैरह क्रिएट करने के लिए, पेपर वगैरह क्रिएट करने के लिए नंबर बुलेट अप्लाई करेंगे हम. कि हमारे पास क्वेश्चन पेपर है उसमें हम नंबर बुलेट्स अप्लाई करेंगे. अगर हम चाह रहे हैं कहीं कई बार हम MCQs यूज़ कर रहे हैं, कहीं पर टाइप कर रहे हैं, या ऐसी कोई मल्टीपल लिस्ट लेवल चाहते हैं, तो हम यहाँ से ऑप्शन यूज़ करेंगे मल्टीपल लिस्ट लेवल. थर्ड ऑप्शन मल्टीपल लिस्ट लेवल ऑप्शन यूज़ करेंगे हम. कहीं पर हमें मल्टीपल लिस्ट लेवल चाहिए तो थर्ड ऑप्शन यूज़ करते हैं. तो फर्स्ट ऑप्शन यूज़ करके देखते हैं. फर्स्ट ऑप्शन ओनली मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से वन क्लिक कर देता हूँ. सही है. तो देखिए आपके पास एक बुलेट्स आ गया, तो मैं ओनली क्या करूँगा यहाँ पर साकी. ओके, इसकी मैं साइज इंक्रीज कर देता हूँ. ओके, यहाँ पर एक बुलेट हमारे पास आ गया. तो फर्स्ट हमारे पास यहाँ पर बुलेट, सही है. उसके बाद इंटर करता हूँ तो हमारे पास सेकंड बुलेट आ रहा है. तो आप चाह रहे हो कि यहाँ पर आपके पास सेकंड बुलेट ना हो, तो फिर एक स्पेस से आप इसे रिमूव करें. ओके, उसके बाद आप यहाँ पे बुलेट्स में आए, तो आपके पास मल्टीपल यहाँ पर बुलेट्स हैं. देखिए बुलेट्स लाइब्रेरी कोई भी आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं. फोर्स में भी चाह रहा हूँ ये बुलेट अप्लाई होना है मुझे करना है, तो यहाँ से मैं इसे सेलेक्ट करूँगा. तो आ गया हमारे पास यहाँ पर. उसके बाद यहाँ पर मैं टाइप कर रहा हूँ सक्कर, देन उसके बाद मुझे इंटर कर रहा हूँ, तो हमारे पास वही बुलेट है. अगर मुझे यहाँ से रिमूव करना है तो इसे रिमूव कर दूंगा मैं. रिमूव करने के बाद यहाँ से दूसरा बुलेट अप्लाई करूँगा. ओके, तो यहाँ पर आने के बाद मुझे कौन सा बुलेट चाहिए? ये वाला बुलेट चाहिए. तो हमारे पास ये बुलेट आ गया. उसी बाद मैं इधर टाइप करता हूँ इंस्टीट्यूट. ऐसे आप क्या करेंगे, बुलेट्स अप्लाई करेंगे, ये स्टाइल बुलेट्स. कोई मुश्किल नहीं है इसमें, सही है. उसके बाद ऐसे ही आप इजीली सेकेंड आप क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर, लिस्ट लेवल, मल्टीपल लिस्ट लेवल, सॉरी सॉरी मल्टीपल लिस्ट लेवल नहीं, नंबर बुलेट्स. सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पर नंबर बुलेट्स. जैसा कि आपको मेरे बताया था, नंबर बुलेट्स हम किस लिए यूज़ करेंगे? एक क्वेश्चन पेपर क्रिएट करने के लिए, कोई भी लिस्ट वगैरह क्रिएट करने के लिए. जैसे हम ETC किसी भी लिस्ट हो, स्टूडेंट लिस्ट हो, एम्प्लॉयज लिस्ट हो, या हमें कोई क्वेश्चन पेपर टाइप करना है, तो हम यहाँ पर नंबर बुलेट्स यूज़ कर सकते हैं. ओनली मैं क्या करूँगा यहाँ पर नंबर बुलेट्स, आपको जिस फॉर्म में चाहिए आप ले सकते हो. नंबर, देन हमारे पास अल्फाबेट, स्मॉल, न्यूमेरिकल्स, ऐसे आप जिसमें आप लें. तो मैं यहाँ से क्या लूँगा नंबर, देन उसके साथ साथ ब्रैकेट. तो यहाँ पर हमारे पास आ गया. ओनली मैंने यहाँ पर क्या किया, नंबर बुलेट अप्लाई किए. उसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ व्हाट इज, सॉरी MS वर्ड. ये हमारे पास एक क्वेश्चन टाइप हो गया. देन उसके बाद में यहाँ पर तो कुछ इस तरीके से हम ये बुलेट अप्लाई करेंगे. देन मैं यहाँ से एंटर करता हूँ, तो देखिए हमारे पास सेकंड बुलेट अप्लाई हुआ. उसे मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ व्हाट इज इंटरफेस. देन वहाँ पर थर्ड आ रहा है, वहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ व्हाट इज इंटरफेस. देन हमारे पास व्हाट इज एप्स ETC एग्जाम्पल है. उसके बाद हमारे पास देखिए खुद ही बुलेट अप्लाई हुई. मैं सिर्फ प्रैक्टिकल करा रहा हूँ आपको कि हम इंटर करेंगे हमारे पास बुलेट ऑटोमेटिक अप्लाई होता जाएगा. उसके बाद मैं यहाँ पर आओ टू यूज फॉन्ट ग्रुप. ऐसे उसके बाद देखिए हमारे पास यहाँ पर हाउ टू यूज
चेंज केस ऑप्शन। ओके तो देखिए ऐसे हम लिस्ट लेवल भी क्रिएट कर सकते हैं। मैं कंट्रोल ए करता हूँ, इसकी साइज थोड़ी इंक्रीज कर देता हूँ, डिक्रीज सॉरी। तो हमारा बताया क्या क्वेश्चन रेडी हो गया क्वेश्चन पेपर। इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन पेपर वगैरह रेडी कर सकते हैं विथ बुलेट्स के नंबर बुलेट्स। ओके तो थर्ड हमारा ऑप्शन आ रहा है मल्टीपल लिस्ट लेवल, जिसे मैं रिमूव कर देता हूँ। फिर तो हमारा ये काम हो गया, आई होप आपको समझ में आया होगा। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है मल्टीपल लिस्ट लेवल, अगर आपको यहाँ पर एड करनी है तो हमारे पास यहाँ मल्टीपल लिस्ट लेवल है। जिस फॉर्म में आपको चाहिए वो फॉर्म आप सिलेक्ट करें, फर्स्ट ये या ये, आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। मुझे यहाँ पर ये फॉर्म सिलेक्ट करनी है, फोर्स में यहाँ से ईडीसी ये ले लेता हूँ, सही है। तो हमारे पास देखिए वैसे ही हमारे पास यहाँ पर नंबर बुलेट्स आ गया। ओके तो मैं यहाँ पर क्या टाइप करता हूँ, साकी, ये हमारे पास यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ इंस्टीट्यूट, सॉरी साकी इंस्टीट्यूट, साकी इंस्टीट्यूट ऑफ सक्कर। ओके तो हमारे पास यहाँ पर साकी इंस्टीट्यूट सक्कर आ गया। उसके बाद मैं देन एंटर करता हूँ, तो ये देखिए उसी टाइप का इधर हमारे पास टाइप हो रहा है जैसे हमने नंबर बुलेट अप्लाई किए थे। तो नंबर बुलेट अप्लाई किए थे हमने तो कुछ फ़र्क नहीं है। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर मल्टीपल लिस्ट लेवल, अब लेवल एड करने के लिए हम क्या करेंगे, टैब प्रेस करेंगे। लेवल एड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से टैब प्रेस करेंगे। टैब प्रेस करेंगे देखिए हमारे पास लेवल एड हो गया। यहाँ पर मैं क्या टाइप करूँगा, क्लासेस, वो सब मैं यहाँ पर देता हूँ क्लासेस। उसके बाद अगर मैं इंटर करूँगा, इंटर करने के बाद मुझे क्या चाहिए, एक और लेवल चाहिए। एक और लेवल एड करने के लिए मैं यहाँ पर टैब प्रेस करूँगा। ओके जैसे ही मैंने टैब प्रेस किया देखिए हमारे पास यहाँ पर एक और लेवल एड हो गया। तो मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ फॉर सपोज यहाँ से क्लास वन। ओके देन उसके बाद यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ क्लास टू। ऐसे हमारे पास लिस्ट लेवल है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर मेरे पास क्लास एड हो गई साकी इंस्टीट्यूट में, अब मुझे क्या करना है, लेवल पैक करना है। तो लेवल पैक करने के लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पर शिफ्ट प्लस टैब। क्या यूज़ करेंगे, शिफ्ट प्लस टैब। जैसे आप वन स्टेप बाय स्टेप करोगे वो लेवल पैक होता जाएगा, शिफ्ट प्लस टैब। और देखिए हमारे पास आ गया यहाँ पर टू। देन मैं यहाँ पर अब करता हूँ ड्रीम इंस्टीट्यूट सक्कर। ओके तो देखिए इस तरीके से आप क्या करेंगे, ये लेवल एड करेंगे। इंटर करता हूँ मैं, उसके बाद टैब प्रेस करूँगा। टैब प्रेस किया जैसे ही मैंने, यहाँ पर हमारे पास क्लासेस। देन उसके बाद मैंने इंटर किया यहाँ पर, उसके बाद मैं टैब प्रेस करता हूँ तो हमारे पास लेवल एड हुआ। देन उसके बाद मैं यहाँ पर दे रहा हूँ क्लास वन। देन उसके बाद आ गया हमारे पास, देन यहाँ पर मैं दे देता हूँ क्लास टू। इस तरीके से हम क्या करेंगे, एक लेवल वगैरह क्रिएट करेंगे। इस तरीके से हम क्या करते हैं, एक फोर्स हम वो भी बना सकते हैं, एम सी क्यूज वगैरह इस तरीके से एड कर सकते हैं। ओके तो ये ऑप्शन आप इसलिए ऐसे यूज करेंगे। लेकिन फर्स्ट आपको अगर कोई चेंज करना ऑप्शन तो यहाँ से मैं ये भी चेंज कर सकता हूँ हेडिंग। तो चैप्टर आप हेडिंग्स वगैरह भी क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर। जैसे आप हेडिंग देंगे तो यहाँ पर साथ ही सुन सकर या फिर हेडिंग आ गई, इस तरीके से आप एड करेंगे ये। ओके ये मल्टीपल लिस्ट लेवल ट्राई ज़रूर कीजिएगा। लेवल हमारे पास ये तीनों में एड होंगे, लेवल तीनों में एड होंगे। जो मेन वर्क है ना लेवल एड करने का वो है मल्टीपल लिस्ट लेवल का। वैसे लेवल हम बुलेट्स में भी अप्लाई कर सकते हैं और नंबर्स में भी अप्लाई कर सकते हैं, पर जो मेन वर्क है हमारे पास मल्टीपल लिस्ट लेवल थर्ड ऑप्शन है। ओके तो ट्राई कीजिएगा। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पर इंक्रीज इंटेंट, डिक्रीज इंटेंट। उसके बाद कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, इंक्रीज इंटेंट देन डिक्रीज इंटेंट। अब इंक्रीज इंटेंट और डिक्रीज इंटेंट हम किस लिए यूज़ करते हैं, चलिए ये बताता हूँ आपको मैं। इंक्रीज इंटेंट हम यूज़ करते हैं किसी भी टेक्स्ट को राइट साइड मूव करने के लिए, और डिक्रीज इंटेंट ऐसा समझ लें उसे ब्रेक करने के लिए यूज़ करते हैं। इंक्रीज इंटेंट टेक्स को मूव करने के लिए और डिक्रीज इंटेंट टेक्स को बैकवर्ड करने के लिए। ओके तो मैं प्रैक्टिकल कराता हूँ आपको। और सो मैं यहाँ पर रेंडम टेक्स टाइप कर रहा हूँ, इक्वल साइन रेंड, सॉरी कलर पैट करते हैं, इक्वल साइन रेंड एंड ब्रैकेट स्टार। देन मैं यहाँ पर क्या टाइप कर रहा हूँ, थ्री सही है, थ्री ब्रैकेट ओवर फिर इंटर, हमारे पास थ्री ग्रुप्स आ गए, थ्री पैराग्राफ सॉरी। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इंक्रीज इंटेंट यूज करता हूँ। अब इंक्रीज इंटेंट यूज़ करने से पहले आप क्या करेंगे, कोई भी टेक्स्ट आपको मूव करवाना हो तो उससे पहले आप कर्सर रखेंगे यहाँ पर। उसके बाद देखिए मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ इंक्रीज इंटेंट। देखिए वन स्टेप हमारे पास हुआ मूव, सेकेंड स्टेप मूव करना है तो इस तरीके से। उसके बाद मुझे यही पैराग्राफ मूव करना है तो यहाँ पर मैंने कर्सर रखा। सारा काम देखिए लोकेशन का होता है, कर्सर देखिए यहाँ पर क्लिक कर रहा है हमारा ये कर्सर। उसके बाद मैं यहाँ से यूज करता हूँ इंक्रीज इंटेंट, फर्स्ट स्टेप सेकेंड स्टेप।
तो देखें कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर अपने टेक्स्ट को सेट कर सकते हैं, सही है। अगर आपको और कोई, अगर आपको डिक्रीज इंडेंट यूज़ करना हो तो इसी को बैकवर्ड यूज़ करने के लिए, फॉर सपोज मैं यहाँ पर डिक्रीज इंडेंट यूज़ करता हूँ, तो देखें यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप जैसे ही आप मूव कर रहे थे, सही है, वैसे ही आप क्या करेंगे बैक लेंगे। देखेंगे ऐसे सेट हो गया, तो सब ऐसे ही क्या करेंगे किसी पैराग्राफ को एडजस्ट करने के लिए, सेट करने के लिए इंक्रीज इंडेंट डिक्रीज इंडेंट यूज़ करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ईजी ऑप्शन, कोई मुश्किल नहीं है एमएस ऑफिस। ओके तो ये हो गया, एंड उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पर हमारे पास हाइड एंड शो, सॉरी सॉरी हाइड एंड शो नो ऑप्शन है हमारे पास, ये ऑप्शन है हमारे पास ड्रैग्स रोटेशन। तो ये ऑप्शन हमारे पास यूज होता है डायरेक्शन चेंज करने के लिए। ओके ओनली ज़्यादातर हम यूज नहीं करते, जैसे मैंने देखें राइट साइड डायरेक्शन पे किया तो हमारे पास जो कर्सर था कहाँ से टाइप करना स्टार्ट हो, तो हमारे पास देखिए कर्सर हमारे पास यहाँ से टाइप करना स्टार्ट कर रहा है। हाउ टू यूज एम एस वर्ड, देखें कुछ इस तरीके से हमारे पास ये कर्सर यूज हो रहा है। देखें यहाँ से ये वाला, ये डायरेक्शन के लिए हम यूज करेंगे ज़्यादातर एम एस ऑफिस में, किसी किसी में नहीं होता ये ऑप्शन, तो अगर आपके पास हो ये ऑप्शन तो ये इसे यूज़ करेंगे। अगर मैं यहाँ से डायरेक्शन चेंज कर देता हूँ तो देखें हमारे पास जो कर्सर था वो टेक्स्ट के साथ लेफ्ट साइड पर आ गया। ओके अगर मैं यहाँ से डायरेक्शन चेंज करूँगा तो हमारे पास कर्सर टेक्स्ट के साथ राइट साइड पर, एक डायरेक्शन है पेज की कि आपको कहाँ से टाइप करना है, कहाँ से टाइप स्टार्ट करना है, कहाँ से टाइप एंड करना है, ओके और कुछ नहीं। तो मैं यहाँ से वही डायरेक्शन रखता हूँ जहाँ से इंग्लिश हम स्टार्ट करते हैं। सो ये हमारा टेक्स्ट है, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है हमारे पास सॉर्ट बाय, ये ऑप्शन ये जो नज़र आ रहा है आपको ए टू जेड, तो ये ऑप्शन हम यूज़ करेंगे सॉर्ट करने के लिए। किसे सॉर्ट करने के लिए, टेक्स्ट को सॉर्ट करने के लिए, मींस असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, सही है। फॉर सपोज मैंने यहाँ पर क्या टाइप किया है, फॉर सपोज मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ ए, देन इंटर पी, देन इंटर सी, देन इंटर टी, देन इंटर ई, देन एफ। देखें यहाँ पर मैंने कुछ अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं, तो ये हमारे पास किस ऑर्डर में है, असेंडिंग। ओके अब देखिए ये ऑप्शन मैं ओपन करता हूँ, ये ऑप्शन जैसे ही मैंने ओपन किया तो हमारे पास देखें ओनली ये ऑप्शन ऐसे यूज़ करेंगे हम। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन क्या है, असेंडिंग देन डिसेंडिंग। अगर आपके पास टेक्स्ट डिसेंडिंग फॉर्म में है तो आप क्या करेंगे, उसे सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से आके असेंडिंग कर सकते हैं, ओनली इसका यही काम है। पैराग्राफ टेक्स्ट वगैरह जो टाइप है हमारे पास इसकी, इसी क्या करता है असेंडिंग टू डिसेंडिंग, डिसेंडिंग टू असेंडिंग, तो इसी का यही काम है। तो मैं यहाँ से डिसेंडिंग करके दिखाता हूँ आपको, देन ओके। तो ये जो हमारे पास टेक्स्ट था तो देखिए किस फॉर्म में आ गया, डिसेंडिंग फॉर्म में। तो कभी कभार हमारे पास कुछ शीट्स वगैरह कुछ डेटा वगैरह होता है वो डिसेंडिंग में, जो एक मेन लाइन की तरह नहीं होता, एक मेन सॉर्ट नहीं होता, तो उसे हम क्या करेंगे सॉर्ट करेंगे, असेंडिंग टू डिसेंडिंग, डिसेंडिंग टू असेंडिंग। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ असेंडिंग, ओके। तो मैंने यहाँ से असेंडिंग किया, उसके बाद मैं यहाँ पर ओके कर देता हूँ। तो देखिए हमारे पास किस फॉर्म में आ गया ये टेक्स्ट सारा, असेंडिंग फॉर्म में, ओके। देखिए बहुत इजी ऑप्शन है हमारे पास, ज़्यादातर मुश्किल नहीं हमारे पास, सही है। ये ऑप्शन इस तरीके से यूज करेंगे, आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और उसे वहाँ से डायरेक्शन दें असेंडिंग डिसेंडिंग की, आप पर डिपेंड है। उसके बाद ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर हाइड एंड शो, क्या ऑप्शन है हमारे पास हाइड एंड शो, जहाँ पर मेरा पॉइंटर है, सही है। तो हमारे पास हाइड एंड शो हम किस लिए यूज़ करेंगे, हाइड एंड शो यूज़ करेंगे, देखिए वर्ड ऑप्शन का नेम क्या आ रहा है, हाइड एंड शो, हाइड एंड शो हम यूज़ करेंगे ब्रेक्स के लिए, लाइन ब्रेक देन पैराग्राफ ब्रेक, जहाँ जहाँ पर हमने लाइन ब्रेक किया है ये हमें मैंने बताया नहीं आपको लेक्चर में, आज बता देता हूँ लाइन ब्रेक और पैराग्राफ ब्रेक कैसे करते हैं। तो उसे शो करवाने के लिए हम हाइड एंड शो यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट मैंने यहाँ पर वैसे रिमूव कर देता हूँ टेक्स्ट को, ओके। और फोर्थ मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ साकी इंस्टीट्यूट सक्कर, ओके। मैं यहाँ पर कुछ टेक्स्ट टाइप कर देता हूँ उस वजह से आपको नज़र भी आ स्क्रीन पर, ध्यान उसके बाद मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ। देखें मैंने साकी इंस्टीट्यूट सक्कर टाइप करके बाद इंटर किया, जब मैं इंटर कर रहा हूँ ना तो इंटर का मतलब ये है पैराग्राफ ब्रेक, ओके। देखें मैं बैक स्पेस करने के बाद शिफ्ट प्लस इंटर करूँगा, शिफ्ट प्लस इंटर, और ये क्या हो गया हमारे पास लाइन ब्रेक, ओके। तो देखिए हमारे पास शिफ्ट प्लस इंटर और इंटर में क्या फ़र्क है इस तरीके से। उसके बाद जब मैं यहाँ से मैंने इंटर कर रहा हूँ तो हमारे पास देखिए इसमें और इसमें कितना फ़र्क है, ये हमारे पास क्या है पैराग्राफ ब्रेक सक्कर, फिर उसके बाद जब मैंने ड्रीम टाइप किया था तो शिफ्ट प्लस इंटर किया था, ये हमारे पास क्या है लाइन ब्रेक। फिर मैं दोबारा इंटर कर देता हूँ
क्वेश्चन में यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ साकी, फिर शिफ्ट प्लस इंटर कर रहा हूँ फोर लाइन ब्रेक। क्वेश्चन में यहाँ पर लिख देता हूँ यहाँ पर कम्युनिकेशन, ओके। क्वेश्चन में लाइन ब्रेक करता हूँ, लाइन ब्रेक करने के बाद सर तो देखिए जहाँ जहाँ पर मैंने लाइन ब्रेक किया है, जहाँ जहाँ पर मैंने पैराग्राफ ब्रेक किए हैं वो शो करवाने के लिए हम ये ऑप्शन यूज करेंगे हाइड एंड शो, ये ऑप्शन, ओके। शो करवाने के लिए क्या यूज करेंगे, हाइड एंड शो। तो मैं क्या करूँगा, ओनली इसे विजिबल करूंगा। आप विजिबल भी यहीं से करेंगे और अनविजिबल भी यहीं से करेंगे। मैं इसे जैसे ही विजिबल करूंगा तो हमारे पास कुछ यहाँ पर साइंस आ रही है, देखें जैसे ही मैंने इसे विजिबल किया तो हमारे पास यहाँ पर कुछ टेक्स्ट में साइंस आ रही है। तो फर्स्ट हमारे पास ये जो साइन है हमारे पास ये है लाइन ब्रेक की, ये जो साइन है हमारे पास ये जो शो हो रही है ना आपको, ये साइन, ये हमारे पास किसकी साइन है, लाइन ब्रेक की। और उसके बाद ये जो साइन है हमारे पास ये किसकी साइन है, पैराग्राफ ब्रेक की। बस आप इतना याद कीजिएगा, ये जो साइन है आपकी लाइन ब्रेक की, ये जो साइन है आपकी पैराग्राफ ब्रेक की। तो जहाँ जहाँ पर आपके पास ये साइन आती है तो आप समझ दें वहाँ पर आपने लाइन ब्रेक की है। ये ज़्यादातर ऑप्शन यूज़ नहीं करते हम, वैसे भी आपको मालूम होनी चाहिए इसकी, लाइन ब्रेक की ये साइन, देन उसके बाद पैराग्राफ की ये साइन। जहाँ जहाँ पर आपने ये किया होगा तो वहाँ पर आप समझ जाएंगे, तो आपने यहाँ पर लाइन ब्रेक किया है, यहाँ पर आपने पैराग्राफ ब्रेक किया है, ओके। सो इजी ऑप्शन है। तो उसके बाद हाइड एंड शो में यहाँ से अनविजिबल करता हूँ, देखें तो अनविजिबल इसे सही है। उसके बाद चलते हैं हम अलाइनमेंट्स पर, वो फिर हमारे पास यहाँ पर कुछ पैराग्राफ में अलाइनमेंट्स हैं। देखें ये अलाइनमेंट्स, कितनी अलाइनमेंट्स हैं हमारे पास, फोर, सही है। पैराग्राफ ग्रुप में हमारे पास एमएस वर्ड के अंदर अलाइनमेंट्स कितनी है, फोर, लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई, ओके। तो अलाइनमेंट्स किस लिए यूज करेंगे, लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई करने के लिए। मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ फोर पैराग्राफ, रेंट देन फोर देन इंटर। तो हमारे पास देखें पैराग्राफ फोर आ गए, मैं इसकी साइज कम कर देता हूँ जैसे एक पेज पर सही कवर हो जाए, सही। मैंने यहाँ पर ये पैराग्राफ टाइप कर दिए, थोड़ी और कम करनी चाहिए इसकी साइज, सही। अब एक पेज पर, ओके, तो फोर पैराग्राफ आ गए मेरे पास। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अलाइनमेंट्स यूज करूँगा। फर्स्ट पैराग्राफ की अलाइनमेंट क्या है हमारे पास, लेफ्ट, तो लेफ्ट अलाइनमेंट ये हमारे पास है, सही है। तो उसके बाद हमें क्या करनी है, अलाइनमेंट सेंटर करनी है, तो आप कर्सर यूज करेंगे बस। यहाँ पर देखें हमारे पास कर्सर भी लिख कर रहा है, मैं कौन सा ये करूँगा, यहाँ से मैं सेकेंड पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से सेंटर अलाइनमेंट, ये हमारे पास सेंटर अलाइनमेंट जैसे ही मैंने किया तो हमारे पास जो पैराग्राफ है वो सेंटर अलाइनमेंट में एडजस्ट हो गया। उससे मैं क्या करूँगा, जो थर्ड पैराग्राफ हमारे पास उसे भी अलाइन कौन से करूँगा, यहाँ से राइट, जैसे ही मैं राइट पर विजिबल करता हूँ तो जो हमारे पास अलाइनमेंट थी वो हमारे पास राइट पे हो गई। उसके बाद लास्ट हमारे पास जस्टिफाई, तो जस्टिफाई हम किस लिए यूज़ करेंगे, ये ऑप्शन जस्टिफाई हम यूज़ करेंगे किसी भी टेक्स्ट को चारों तरफ से जस्टिफाई करना, इक्वल करना, इसलिए हम जस्टिफाई यूज़ करेंगे। जैसे मैं यहाँ से जस्टिफाई करता हूँ तो देखिए हमारे पास जस्टिफाई में हमारे पास कुछ लेवल्स हैं, जस्टिफाई करना है तो जस्टिफाई, जस्टिफाई लो लेवल पर रखना है, मीडियम पर या हाई पर, तो मैं हाई पर कर देता हूँ, देखिए हमारे पास इस तरीके से जस्टिफाई। उसके बाद मैं यहाँ से जस्टिफाई करता हूँ ओनली, तो हमारे पास इस तरीके से जस्टिफाई, देखिए चारों तरफ से इक्वल है ना हमारे पास, तो इस तरीके से आप यहाँ पर अलाइनमेंट्स यूज करोगे, ओके। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन में यहाँ पर टू पैराग्राफ लिखता हूँ, सॉरी ये लेता हूँ बस वन पैराग्राफ। उसके बाद ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पर लाइन स्पेस, ओके, ये ऑप्शन है हमारे पास लाइन स्पेस। लाइन स्पेस आपके पास आफ्टर पैराग्राफ स्पेस भी है, रिमूव पैराग्राफ स्पेस भी है, तो आप यहाँ से क्या यूज करोगे, देखिए हमारे पास जो डिफॉल्ट लाइन स्पेस होता है वो होता है 1.50, ओके, 1.5 भी करते हैं, 1.50 भी करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो मिनिमम लाइन स्पेस है हमारे पास वो है 1.0, 1.5 डिफॉल्ट, 1.5, देन यहाँ पर 2.0, 2.5, 3.0, ये 3.0 हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास कुछ एनफ्यूज वगैरह कुछ ऐसी हमारे पास जो डायरेक्शन आ जाती है हमारे पास काम करना होता है, तो वहाँ पर 3.0 कभी कभार यूज़ करते हैं। वैसे हमारे पास डिफॉल्ट है 1.50, हम यही सेट है, सही है। तो ये हमारे पास क्या लाइन स्पेसिंग। उसके बाद हमारे पास ये आकर लास्ट में आ जाए तो हमारे पास एड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, पैराग्राफ से पहले स्पेस एड करना है तो आप यहाँ से एड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, उसके बाद रिमूव करना है तो रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, ये आपकी टास्क है, ये आप ज़रूर यूज़ करना, एड स्पेस उसके बाद रिमूव, सही है। दोनों बिल्कुल ईजी है, पैराग्राफ टाइप करें आप टू या थ्री, उसके बाद आप क्या करें यहाँ से एड स्पेस ले लें, टू पर जाके
ये डिस्प्लेस करें, उसके बाद वही स्पेस आप रिमूव करें। सही है, तो आपके पास जो भी सिलेक्शन में आएगा वो आप यहाँ से लाइन स्पेस वगैरह चेंज कर सकते हो। इतना याद रखिएगा, जो आप डिफॉल्ट यूज़ करते हैं 1.50, मिनिमम हमारे पास क्या है 1.0, और मैक्सिमम क्या है हमारे पास 3.0। ओके, लाइन ऑप्शन से एडवांस भी आप काम कर सकते हैं, तो ये हमारे पास लाइन स्पेसिंग है। कि उसके बाद हमारे पास यहाँ पर जैसे हमने फॉन्ट ग्रुप में हमने यूज़ किया था ऑटोमेटिक कलर फिल, यहाँ पर हमारे पास क्या है जैसा बैकग्राउंड कलर फिल, टेक्स्ट बैकग्राउंड, मैं इसी फॉर्म में कहूँ अपनी लैंग्वेज में, तो टेक्स्ट बैकग्राउंड कलर है हमारे पास ये, सही है, थीम कलर। तो आप क्या करोगे, जो भी पैराग्राफ आप सिलेक्ट करोगे उसका आप थीम कलर चेंज कर सकते हो। देखिए फॉर सपोज यहाँ पर मैं इक्वल साइन लिंक, और सपोज मैं 2 ले देता हूँ, 2 पैराग्राफ आ गया मेरे पास। अब मैं क्या करूँगा, इसके कलर चेंज करूँगा। अब कलर इसके कहाँ चेंज करेंगे, टेक्स्ट के, यहाँ से इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, फोटो रेड, सही है। सेकेंड, अब मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ यहाँ से, सही है ना। मैंने कल प्रीवियस लेक्चर में बताया था आपको, उसके बाद ही इसका कलर ये रख देता हूँ मैं। उसके बाद लास्ट पैराग्राफ जो हमारे पास है उसका भी कलर मैं चेंज कर देता हूँ, कोई भी दे देते हैं हम, सही है। तो इसका कलर हम चेंज कर देते हैं यहाँ से, वो सपोज कोई सा भी जो सही लगे। अब देखिए हमारे पास कौन से कलर थे, ऑटोमेटिक फिल कलर, टेक्स का कलर। अब ये हमारे पास कौन सा कलर है, हमारे पास है बैकग्राउंड कलर, थीम कलर। ओके, जो भी आप सिलेक्ट करोगे उसका थीम कलर यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा इधर बैक साइड पर। ये मैंने पैराग्राफ सिलेक्ट किया, फिर उसके बाद इसे मैं कर देता हूँ ब्लैक। ओके, जैसे ही मैंने ब्लैक किया तो आप देखें इसका थीम कलर, देखें कुछ इस तरीके से, सही है। उसके बाद मैं सेकेंड पैराग्राफ को सिलेक्ट करूँगा, सेकेंड पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के बाद मैं सॉरी बॉटम में कहा जाते हैं हम, यहाँ पर रेड, तो कुछ रेड सही नहीं लग रहा, तो यहाँ से इसको हम चेंज कर देते हैं फर्स्ट पर ये। तो देखें इस तरीके से ये हमारे पास कलर चेंज हो रहे हैं, पूरा एक थीम है, सही है, बिल्कुल स्पेस विस्पेस नहीं आएगा, पूरा हमारे पास मिला के भी कलर एक शो करवाएगा। तो उसके बाद मैं यहाँ से फर्स्ट पर ग्रीन ले लेता हूँ, किसी कोई सा भी, तो देख लिया हमारे पास ये इस तरीके से कलर, ये हमारे पास थीम कलर, सही है। कोई इतना मुश्किल नहीं है इसमें, कोई कन्फ्यूजन वगैरह नहीं है, आराम से आप कलर वगैरह फिल करें। ओके, तो उसके बाद हम यहाँ से डिस्कस करते हैं बॉर्डर्स, लास्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर है पैराग्राफ में बॉर्डर्स। तो अब देखिए बॉर्डर्स जैसे ही मैंने ओपन किया, हमारे पास फर्स्ट है हमारे पास बॉटम बॉर्डर, टॉप, लेफ्ट, राइट, नो बॉर्डर, ऑल बॉर्डर, आउटसाइड, इनसाइड, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, फिर उसके बाद हम लास्ट में कोई टेबल वगैरह ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखिए फर्स्ट जो हमारे पास बॉर्डर है ना, वेरी इजी, सही है। अगर आपको टेक्स्ट के टॉप पर करना है, बॉटम पर करना है, तो हमें यहाँ से, मैं आपको वन यूज़ करवाऊंगा, उसके बाद आपको खुद यूज़ करना है, उसके बाद अगर नहीं आया तो फिर हम बता सकते हैं आपको। देखिए मेरे पास आखिरी सूट सकर है, अब मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं इसे दे देता हूँ टॉप बॉर्डर। तो टॉप बॉर्डर जैसे ही मैंने दिया है तो देखें टॉप पर आ रहा है साकी पर, जैसे ही बॉटम दे देता हूँ मैं बॉटम साइड आ रहा है। अब देखिए बॉटम साइड में इसे करके मैं इसे सेंटर में कर देता हूँ कंट्रोल प्लस ही, देखें उसके बाद आ गया हमारे पास सेंटर में। कुछ इस तरीके से आप बॉर्डर सेट कर सकते हो, सही है। अगर आपको इस तरीके से बॉर्डर सेट नहीं करने हैं, उसके बाद आपको क्या चाहिए, लेफ्ट में चाहिए, राइट में चाहिए, उसके बाद एड करना है, तो यहाँ से, उसके बाद नो बॉर्डर, यहाँ से रिमूव, देन ऑल बॉर्डर चाहिए एक बॉक्स की तरह, तो यहाँ से। ओके, तो आउटसाइड इनसाइड हमारे पास, अगर कोई टेबल वगैरह अगर इंसर्ट करोगे तो वहाँ पर ये यूज़ करोगे, वैसे ज़्यादातर यहाँ से यूज़ करते हैं आउटसाइड तक। ओके, तो ये आप सारे यूज़ कीजिएगा। उसके बाद लास्ट में हमारे पास ऑप्शन है, हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन वगैरह ड्रॉ करने के लिए, ड्रॉ टेबल या बॉर्डर शेडिंग। बॉर्डर शेडिंग तो मैं एडवांस में आपको पढ़ाऊंगा, इधर हम डिज़ाइन में भी पढ़ेंगे, तो डिज़ाइन में हम ये बॉर्डर्स दोबारा भी पढ़ सकते हैं, तो ये आप ऐसे यूज़ करिएगा। ओनली मैं यहाँ पर यूज़ कराता हूँ आपको ड्रॉ टेबल, जैसे मैं यहाँ पर ड्रॉ टेबल कर रहा हूँ, तो हमारे पास एक पेंसिल शेप आ रहा है, आपको कहाँ पर टेबल वगैरह ड्रॉ करनी है वहाँ पर आप यहाँ पर बॉक्स ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए यहाँ से मैं टेबल ड्रॉ करना चाहता हूँ, तो हमारे पास आ गई एक टेबल, इसे आप यहाँ से मूव कराओगे, टेबल तो मैं से मैं इंसर्ट टेबल में आपको पढ़ाऊंगा, सही है। यहाँ पर इस टेबल में आपको कुछ भी लिखना है था बॉक्स की तरीके से, तो आप यहाँ से इसमें टाइप कर सकते हो। ओके, जैसे मैं इंसर्ट करता हूँ फोर्स, कोई भी टेक्स्ट आप इसमें टेबल में एड कर सकते हो, सही है। एक टेबल शेप में हमारे एक बॉक्स आ रहा है, इसे आप यहीं से सिलेक्ट करें, देन यहाँ से डिलीट कर दें, सही है। मैं यहाँ पर राइट क्लिक, देन उसके बाद डिलीट टेबल, तो मैं पहले डिलीट हूँ, कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर बॉर्डर यूज़ करोगे। उसके बाद लास्ट हमारे यहाँ पर ग्रिड्स, व्यू ग्रिड्स, व्यू ग्रिड्स वगैरह, ग्रिड लाइन से रिव्यू टैब में मैं आपको पढ़ाऊंगा, व्यू टैब में,
फिर उसके बाद हमारे पास बॉर्डर शेडिंग है। बॉर्डर शेडिंग में देखें, आप यहाँ से कोई भी बॉर्डर वगैरह आप खुद अप्लाई कर सकते हैं। फोर सौ आपको बॉक्स में चाहिए, बॉक्स देखो उसके बाद कलर कौन सा हो आपका, रेड चाहिए, वेरी इजी, कोई इतना मुश्किल नहीं हमारे पास। वैसे तो आपको मैं पढ़ाता पर आप यहीं से पढ़ लें, सही है। तो वेड्थ वगैरह कितनी हो बॉर्डर की, कुछ इस तरीके से। ये पेज बॉर्डर है, ये शेडिंग, ये बॉर्डर से, सही है। तो मैं आपको कौन से बॉर्डर पढ़ा रहा हूँ, पैराग्राफ, सही है। तो पेज के बॉर्डर वगैरह चेंज कर दो तो यहाँ से करोगे, सेम ही हमारे पास। अगर शेडिंग्स वगैरह अप्लाई करनी है तो यहाँ से, सही है। तो पेज का बता देता हूँ मैं, यहाँ से पैराग्राफ देन ओके। तो देखिए हमारे पास एक जो पैराग्राफ था उसमें बॉर्डर आ गया। इस तरीके से आप ये बॉर्डर यूज़ करोगे। देखें बहुत सिंपल सा मैंने आपको समझाया है, पैराग्राफ ग्रुप। हर लेक्चर में एक एक ग्रुप दे रहा हूँ, ना ही मैं पूरी टेप दे रहा हूँ, सही है। तो उतना आप पढ़े जितना आपको समझ में आए, और उतना काम करें जितना आप कर पाए। इस पर पूरी प्रैक्टिस कीजिएगा, कोई भी सवाल हो मुझसे पूछिएगा, सही है। मैं आपको कमेंट में उसका जवाब या अगली वीडियो में उसका जवाब दे दूँगा, सही है। अल्लाह हाफिज़।